हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए हाजिर हूँ एक बहुत ही आसान बुनाई डिजाइन लेकर, जो कि दो रंगों में भी बना सकते हैं, सिंगल कलर में भी और मल्टी कलर में भी। तो मैंने यहाँ पे इसे मल्टी कलर में बनाया है और इसके लिए 4-ply एक्रेलिक यहाँ ली है, 10 नंबर सिलाई, 10 नंबर नीडल्स। और इस पैटर्न के लिए हमें इवन नंबर में फंदे लेने हैं, जैसे हम किसी भी जोड़े में फंदे ले सकते हैं। तो रॉ 1 राइट साइड, पहली सिलाई हमारी सीधी तरफ से स्टार्ट होगी। देखिए, इसे हमने अपने इसी जिस कलर से हम बॉर्डर बुनेंगे उसी कलर से बुन लेना है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, बुनते हैं तो बुन लेंगे। अब इस रो में हमने सारे फंदे जो है उनको सीधा बुन लेना है, यानी ऑल द स्टिचेस इन रो 1 राइट साइड। तो पहली सिलाई हम पूरी सीधी बुन लेंगे। बहुत ही आसान बुनाई डिजाइन है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है। देखिए, तो ये पूरी रो हमने सीधी बुन ली। अब रॉ 2 रॉन्ग से दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये दो सिलाई हमारी सिंपल ही आएगी। देखिए, अब थर्ड रो तीसरी सिलाई, इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें हम अपना कलर चेंज करेंगे। देखिए, अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने ये दूसरे कलर से स्टार्ट करनी है तीसरी सिलाई। पहला फंदा सीधा बुना जाएगा, कलर चेंज किया है हमने। अब देखिए, ये जो अगले दो फंदे हैं, इन दो फंदों के पीछे से ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे और एक लूप निकालेंगे। ऐसे ये लूप निकाला, अब ऐसे सिलाई पे हम धागे को घुमाएंगे और इन दो फंदों को एक साथ बैक लूप से दो का एक करते हुए बुनेंगे। तो हमने जो है दो फंदों के ऐसे तीन बना लिए। फिर से देखिए, दो फंदों के पीछे से ऐसे लूप निकाला, इसे लूज रखेंगे, लूप को टाइट नहीं करना है। अगर टाइट करेंगे तो ऐसे कोई आपका मुड़ जाएगा फैब्रिक जो भी आप बनाएंगे। तो इसे हमने ऐसे लूज लूप निकाला, धागा ऐसे घुमाएंगे और फिर इन दोनों फंदों को दो का एक करते हुए बुन देंगे। पूरी रो में हमने यही करना है, लूप निकालेंगे, धागा घुमाएंगे और दो फंदों का बैक लूप से एक बना देंगे। इवन नंबर में फंदे हैं तो जोड़ो जोड़ में ये बनते जाएंगे। लूप निकाला, धागा घुमाया, दो फंदों का एक बना लिया। तो ऐसे हमने ये दो दो फंदों के तीन तीन फंदे बना लिए हैं, लूप और दो फंदे। लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने ऐसे थर्ड रो तीसरी सिलाई बनाई और देखिए अब ऐसे दिखाई दे रहा है हमारा पैटर्न। अब देखिए, फोर्थ रो चौथी सिलाई, इसे भी ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमने तीन फंदे बनाए थे, जो बीच वाला फंदा है इसे हम ऐसे ऊपर से गिरा देंगे ऐसे, और ये दो जो बचे इन दोनों को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। ये जो दूसरा है, देखिए लूप रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए, ये जो हमने तीन फंदे बनाए इसमें से जो बीच वाला फंदा है, ये वाला, इसे उतार देंगे और दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। एक ये फंदा और ये देखिए ये लूप उल्टा बुना जाएगा। तो हमने फिर से तीन फंदों के ऐसे ही दो बना लेने हैं, बीच वाले फंदे को उतारते जाएंगे और दोनों फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। फिर से बीच वाला फंदा उतारा, दोनों फंदों को उल्टा बुन लिया। तो हमने पूरी रो में ये करते जाना है, लास्ट में उल्टा फंदा जो बचेगा उसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने फोर्थ रो चौथी सिलाई कंप्लीट की। और फ्रेंड्स, यही चार सिलाई ही हमने बार बार रिपीट करनी है, कीप रिपीटिंग दीज फोर रोज। अब फिर हम जो है इसी कलर से, जो सेकंड कलर है, इसी से हमने इन सारे फंदों को सीधा बुनना है ऑल। तो ये फर्स्ट रो है जिसे हम फिफ्थ रो में बना रहे हैं। तो जब हम ये देखिए, और इसके बाद उल्टी सिलाई बुनने के बाद हम कलर जो चाहें वो कलर चेंज कर सकते हैं, यानी हमने हर फोर रोज के बाद, चार सिलाई के बाद कलर्स चेंज करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसी को ये देखिए इतने कलर्स में बनाना स्टार्ट किया है, ये देखिएगा। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा और आसान बुनाई डिजाइन है और बनके बहुत ही अच्छा भी लगने वाला है, और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं। ये उभरा उभरा सा जो है इफेक्ट देता है, और इसे अगर आप मोटी वूल से बनाएंगे तो ये और भी ज्यादा जो है वो आपको इफेक्ट देगा अच्छा सा। ये देखिए, बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। तो इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और दो रंगों में
भी बना सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। टेक केयर।